जो कि हमारे पास आ चुका है दोस्तों, और इसका करेंगे हम डिटेल रिव्यू। आपको इंडियन मार्केट का इंडियन वेरिएंट फोन बताएंगे कैसा है ये फोन आफ्टर 35 डेज, जो कि अंडर 35,000 देखने को मिलता है। इस फोन का डिटेल रिव्यू करने के बाद दोस्तों, हमें यहाँ पे यूज करने के बाद पता चला कुछ कमियां इस फोन के अंदर मिल जाती है और कुछ खास चीजें पैक की है वन प्लस ने इस फोन के अंदर। जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास वन प्लस कर रहा है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर और कैसा होने वाला ये फोन। आपको वन प्लस नॉर्ड की ब्रांडिंग के साथ बॉक्स मिल जाता है, साथ ही साथ बॉक्स के अंदर आपको एक लेयर ऑफ केस मिल जाती है, जिसके अंदर आपको एक मिल जाता है रेड केबल क्लब वाला एक स्टिकर, और कुछ स्टिकर के साथ यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल किट मिल जाती है और कुछ गाइडिंग मैनुअल के साथ सेफ्टी गाइड मिल जाती है। एक लेयर ऑफ केस मिलती है अच्छी क्वालिटी की, साथ ही साथ फोन मिलता है जिसको साइड में रखते हैं। बाकी बॉक्स कंटेंट की बात करो, टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाती है रेड कलर की, जो कि बहुत ही अच्छी है दोस्तों। एंड साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है 80 वॉट का एक एडेप्टर, जो कि सुपर वुक एडेप्टर है। डिजाइन की अगर बात करते हुए चले तो बॉक्स में उतने कंटेंट मिलते हैं फोन के साथ। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सी डिजाइन मिल जाती है, डुअल सेटअप कैमरा मिल जाता है, डुअल सेटअप यहाँ पे एलईडी लाइट के साथ वन प्लस की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाय द वे फोन में आपको मल्टी कलर वेरिएंट का सपोर्ट मिल जाता है। फोन का कैमरा सेटअप मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे आपको साइड के फ्रेम्स हटा दिए गए हैं। बाकी फोन का लुक मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है। बाकी वन प्लस नॉर्ड की जो सीरीज आती है उनके सारे कैमरा मॉडल सेम रहते हैं, डिजाइन मुझे कुछ इतना डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिली। उन्होंने कैमरा मॉडल के साइड में थोड़े से फ्रेम्स को ऐड और रिमूव किया है। फोन की डिस्प्ले आपको थोड़ी सी बड़ी देखने मिल जाती है, साइड के फ्रेम्स आपको एल्युमिनियम के मिल जाते हैं। इन फिर आपको अच्छा मिलता है, ग्लास की वाइप की वजह से आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा फोन स्लिपरी साइड मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको कैमरा मॉडल के बाजू में दो फ्लैश एलईडी लाइट्स मिल जाएंगे, ड्रैगन ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। फ्रंट में बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, दैट्स व्हाई फोन थोड़ा स्लिपरी हो जाता है दोस्तों। बाकी कवर यहाँ पे मैं यूज करने की रिकमेंडेशन दूंगा आपको। बाकी इन एंड फील अच्छा है, यहाँ पे ग्रिप थोड़ी सी कम देखने मिलती है। बाकी फोन की अगर वेट की बात करो, अच्छे से मैनेज किया गया 8.15 mm की थिकनेस के साथ, वेट 194 grams के आसपास का मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से एक नॉर्मल साइज है वेट है दोस्तों। डाउन साइड में आपको स्पीकर ग्रिल के साथ चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है, माइक्रोफोन सिम कार्ड ट्रे मिल जाता है, एंड राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है। एंड दोस्तों टॉप साइड में आपको मिल जाता है देखने के लिए यहाँ पे आयर ब्लास्टर के सपोर्ट के साथ स्पीकर ग्रिल और साथ ही साथ सेकेंडरी माइक्रोफोन का सपोर्ट, जो कि मेरे ख्याल से एक स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देना अच्छी बात है। एलर्ट स्लाइडर भी मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फोन के अंदर पावर ऑन बटन का सपोर्ट मिलता है राइट साइड में। एंड डाउन साइड में आपको USB 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है, टाइप सी डी पोर्ट्स एंड बटन सारे मिल जाते हैं। डिस्प्ले आपको बहुत ही बेहतरीन सी मिल जाती है, सेंटर पंच होल कैमरा के साथ 6.74 inches के आपको FHD+1.5K AMOLED डिस्प्ले, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, 240Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ 1400 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट होने के साथ एक टॉलर साइड में मिल जाती है, थोड़ी सी चीन एजेस बेजल्स आपको बहुत ही पतले से देखने मिल जाएंगे। एवरेज साइज के एक तरह से बोल सकता हूँ सेंटर पंच होल कैमरा मिल जाता है फोन में, और डे लाइट में आपको ना हैवी सनलाइट के अंदर भी डिस्प्ले आपको बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखाई देगी, 1450 nits की पीक ब्राइटनेस बहुत अच्छी दोस्तों। 120Hz रिफ्रेश रेट बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, बट YouTube के अंदर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि स्टक हो जाता है 60fps पे। YouTube के अलावा दोस्तों ये सारी चीजें ना मैंने नोटिस किया कि बाकी अदर ऐप में भी ऐसा ही हो रहा था, जो कि ना अपडेट से फिक्स किया जा सकता है। 8K के कंटेंट को आप वॉच कर सकते हैं, 4K की वीडियो को आप आराम से वॉच कर सकते हैं। इन शॉर्ट बोलो तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस फोन के अंदर अच्छा होगा, बट यहाँ पे ना इंप्रूवमेंट की थोड़ी सी जरूरत है, जो कि ना मेरे ख्याल से ना डॉल्बी विजन एटमॉस का सपोर्ट देने की वजह से ना इनको ना एक मौका मिल जाता है इन सारी चीजों को फिक्स करने का। स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है फोन में, जो कि बहुत ही ज्यादा लाउड स्पीकर है दोस्तों। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी स्पीकर की, हाईरेस ऑडियो सर्टिफाइड है। बहुत ही तगड़ी सी चिपसेट मिल जाती है डायमंडसिटी 9000, जो कि मीडियाटेक की तरफ से है। LPDDR5X रैम के सपोर्ट के साथ UFS 3.1 की रीड एंड राइट स्पीड टॉप नॉच की मिलेगी फोन के अंदर, एंड रैम एंड रोम वेरिएंट का भी ऑप्शन मिल जाता है फोन में। बाय द वे दोस्तों, आप फोन के अंदर रैम एक्सपांड कर सकते हैं वर्चुअली, और यहाँ पे आपको नॉट नियर अबाउट 1 million के ऊपर स्कोर मिल जाता है, जो कि एंट्री स्कोर बहुत ही तगड़ा है दोस्तों। एंड ग्राफ में मैंने यहाँ पे नोटिस किया थोड़ा ग्राफ ज्यादा ही थ्रॉटल होता हुआ दिखाई दिया, स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करो तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी बिना किसी दिक्कत के, शिकायत के आप कोई भी हाई सेटिंग्स वाले गेम को प्ले कर सकते हैं इस फोन के अंदर बिना किसी लैग एंड लेटेंसी को। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है गेमिंग करते हुए टाइम दोस्तों, एंड जायरो जैसे कुछ सेंसर का भी सपोर्ट मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा गेमिंग फीचर भी इन्होंने प्रोवाइड किया दोस्तों, जो कि ना मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है 5000 mAh की देखने के लिए फोन के अंदर, क्योंकि बहुत ही बड़ी बैटरी, और इसी बैटरी को चार्ज करने के लिए 80 वॉट का एक सुपर वुक चार्जर मिल जाता है बॉक्स में, जो कि नियर अबाउट आपकी बैटरी को ना 34 मिनट्स के अंदर 100% फुली चार्ज कर देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। एंड बैटरी बैकअप भी फोन का अच्छा, स्क्रीन ऑन टाइम भी आपको अच्छा देखने मिल जाता है नियर अबाउट। यहाँ पे आपको ना कम से कम यहाँ पे 5 hours के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है अगर हैवी टास्किंग करेंगे। तो सॉफ्टवेयर आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिल जाता है 13.1 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ देखने के लिए।
एंड हाँ दोस्तों, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट के साथ 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि मुझे अच्छा लगा। एंड गेमिंग फीचर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए। AOD की इंप्लीमेंटेशन पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, जो कि जैन सेशन के यूज करने के बाद हुआ है। सिस्टम सर्विस के अंदर आपको एक फीचर्स एनेबल करके मिलता है बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट, कुछ चेंजेस मुझे नहीं मिले जो कि मेरे ख्याल से डिसेबल होना चाहिए कि चाइनीज सर्विस पे कुछ डेटा को अपलोड किया जा रहा है। बाकी कुछ ब्रॉडवेयर्स आपको मिल जाते हैं फोन के, जिनको आप सिंपली अनइंस्टॉल तो कर सकते हैं, बट ये सारी चीजें पहले से अनइंस्टॉल होकर मिलती तो ज्यादा अच्छा होता। एंड्रॉइड के फोकस मोड से इंस्पायर होकर इन्होंने जैन स्पेस नाम का एक फीचर प्रोड्यूस कर दिया इस फोन के अंदर, जो कि मुझे एक अच्छा लगा। अगर आप फोकस करना चाहते किसी वर्क के ऊपर या स्टडी करना चाहते तो आपके लिए एक फीचर बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों, हेल्पफुल होगा। आपके यूज के अकॉर्डिंग आप जिस ऐप को चाहे उस टाइम पे यूज कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों आपके फोकस को कंसंट्रेट करने के लिए। आपको फोन के अंदर सारे सेंसर कनेक्टिविटी फीचर मिल जाते हैं, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक बहुत अच्छे से वर्क करते फोन में बिना किसी दिक्कत के। हैप्टिक फोन के अंदर ओहैप्टिक की वजह से बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, उतना अच्छा नहीं बोलूंगा बट प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ओके मिल जाता है। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको 5G के 9 बैंड का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है ही, वाईफाई 6 के साथ ब्लूटूथ 5.3 एंड यहाँ पे NFC का सपोर्ट नहीं दिया गया। बाकी कनेक्टिविटी अच्छी है, कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं फोन में बट यहाँ पे सामने वाले को नोटिफिकेशन चला जाएगा। IP54 की सर्टिफिकेशन मिल जाती है। कैमरा के अंदर अगर बोलूं तो यहाँ पे आपको ट्रिपल स्लॉट का कैमरा सेटअप मिलता है, 50 MP का मेन सेंसर, 8 MP अल्ट्रा वाइड के साथ 2 MP का मैक्रो लेंस मिल जाता है जो कि सोनी की लेंस है दोस्तों। फ्रंट में आपको 16 MP की सेल्फी कैमरा मिल जाती है। एंड इमेज सैंपल्स की बात करूं दोस्तों इसी फोन के कैमरा के, तो यहाँ पे इमेज सैंपल्स मुझे पर्सनली अच्छे लगे, कलर को अच्छे से सैचुरेट तो कर लेता है दोस्तों बट कहीं कहीं ना ओवर लाइटिंग की कंडीशन में यहाँ पे मुझे ना थोड़ी सी इमेज स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी। बाकी इमेज सैंपल्स मुझे अच्छे लगे पर्सनली, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। एंड हाँ, एक मेजर प्रॉब्लम दिखी जब लो लाइट की बात होती है दोस्तों, यहाँ पे लो लाइट में ना इमेजेस की जो कलर है ना कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं दिखाई देती। बाकी HDR के अंदर आपको ना अल्ट्रा वाइड में जो आप इमेजेस को क्लिक करेंगे वो अच्छी आती है, लो लाइट के अंदर थोड़ी सी ना अनबैलेंस हो जाती है इमेजेस। बट यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि किसी ना एक कैमरा टेस्ट वाली वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और फिर डिसाइड कीजिएगा आपको इस फोन को बाय करना नहीं। बाकी 4K 60 FPS पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ना OIS की स्टेबिलाइजेशन की वजह से आपको 4K वीडियो का ना जो कंसिस्टेंसी मिलेगी वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन तो नहीं बोल सकता बट अच्छा कैमरा दोस्तों। आपको फोन बहुत ही बेहतर मिल जाता है अकॉर्डिंग टू प्राइस, 34,000 आपको बेस वेरिएंट मिलता है 8GB 128GB, जो कि ना कार्ड बैंक ऑफर लगाने के बाद कुछ ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कार्ड लगाने के बाद इस फोन को परचेस करने की सोचिएगा। बाकी फोन के अंदर आपको बहुत से फीचर मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट फोन नहीं पर यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सा एक पैकेज बोल सकता हूँ जो कि OnePlus की तरफ से आया हुआ है। कुछ कमियां मिल जाती है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कैमरा सैंपल्स वाली वीडियो को, एक आप कैमरा टेस्ट वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा इस फोन को बाय करना या नहीं। बाकी फोन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। अगर आपको फोन अच्छा लगा डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सिंपली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों। एंड हाँ दोस्तों, एट द लास्ट अगर आपको फोन अच्छा लगा डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सिंपली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों। एट द लास्ट आज के लिए बस इतना, मिलता आपसे किसी नेक्स्ट अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक दोस्तों गुड बाय, टिल देन पीस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।